नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आरआरबी एनटीपीसी लेवल वन परीक्षा को लेकर बोर्ड की तरफ से जो भी निर्णय लिया गया उसके बाद चीजें कुछ हद तक शांत हुई है। अब लग रहा है कि छात्रों के साथ शायद इंसाफ हो जाए और परीक्षा के रिजल्ट में जो भी धांधली हुई उसके बाद जो भी गड़बड़ी हुई और नियमों में जो बदलाव किया गया उसको लेकर अब शायद कोई फैसला कमेटी की तरफ से अच्छा निकल कर आएगा। लेकिन बड़ी बात ये कि आंदोलन कर रहे छात्र या फिर एनटीपीसी आरआरबी की परीक्षा से जुड़े हुए छात्रों का दमन अभी तक रुका नहीं है, यानी कि उनके ऊपर अभी भी अन्याय हो रहा है। अलग अलग इलाकों से निकल कर आ रही तस्वीर इसका सबूत है। हमारे पास भी कुछ तस्वीरें निकल कर आई है जहां पर छात्रों के लॉजेस में घुस घुस कर पुलिस उन्हें पीट रही है, उनके सामान को इधर उधर फेंक रही है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन हो रहा है उसके दरमियान की ये तस्वीर हैं और छात्रों के ऊपर पुलिस की बर्बरता भी दिखाई दे रही है। पटना में भी आपने देखा कि कैसे आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज तक किया गया, छात्रों ने खून बहाया। कड़कती ठंड में वे आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस की प्रियंका गांधी छात्रों के पक्ष में आई हैं और वे मांग कर रही हैं कि इस दमन को रोका जाए। के बाद एक कई ट्वीट उन्होंने किए। हम आपको बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा से जुड़े युवाओं पर दमन की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार तुरंत दोनों परीक्षाओं से जुड़े युवाओं से बात करके उनकी समस्याओं का हल निकाले। छात्रों के हॉस्टलों में घुसकर तोड़फोड़ और सर्च की कार्रवाई पर रोक लगाएं। आगे लिखती है कि गिरफ्तार किए गए छात्रों को रिहा किया जाए। विरोध प्रदर्शन करने के चलते उनको नौकरी से प्रतिबंधित करने वाला आदेश वापस लिया जाए। प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं से मेरी अपील है कि सत्याग्रह में बहुत ताकत होती है, शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह के मार्ग पर चलते रहिए। प्रियंका गांधी ने इससे पहले अभी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने वो वीडियो शेयर किया था जहां पर प्रयागराज के अलग अलग लॉजेस में घुसकर पुलिस के द्वारा अलग ही व्यवहार किया जा रहा है। लिखा है उन्होंने कि प्रयागराज में पुलिस द्वारा छात्रों के लॉज में और हॉस्टलों में जाकर तोड़फोड़ करना एवं उनको पीटना बेहद निंदनीय है। प्रशासन इस दमनकारी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए। युवाओं को रोजगार की बात कहने का पूरा हक है और मैं इस लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ हूँ। प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे छात्रों के साथ है। जिस तरह की तस्वीरें बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो आंदोलन है वो बहुत बड़ा आगे होने वाला है अगर बोर्ड की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है उनकी तरफ से सही फैसला नहीं लिया गया। लेकिन ये जो मांग है वो भी जायज है कि जिन लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि छात्र अपने हक के लिए ही मांग कर रहे थे और आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के मद्देनजर जो भी हुआ, चाहे वो गलती बोर्ड की हो या फिर किसी और की हो, वो छात्रों के पक्ष में नहीं था, इसलिए आंदोलन किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल ये फैसला लिया गया है और आपको ये भी मालूम होगा कि कल ही बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि वीडियोस देखकर चिन्हित किया जाएगा कि किन्होंने गैर कानूनी गतिविधियों को अपनाया है और उन लोगों को रेलवे की परीक्षा देने से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। इसकी वापसी की भी मांग प्रियंका गांधी ने उठाई है और फिलहाल जो है रेलवे बोर्ड की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है। देखना होगा कि ये कमेटी कितनी कारगर साबित होती है छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए और जिस न्याय की आस में छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन्हें न्याय मिलता है या नहीं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।